गुड इवनिंग एवरी वन, आई एम स्वाति योर बायोलॉजी टीचर। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डीएनए जो है उसका डबल हेलिकल मॉडल क्या कहता है डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन मैकेनिज्म का भी हिंट वहीं से मिलता है कि किस तरह डीएनए का स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण कॉपी ईजिली हो सकता है। तो आज हम उसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि डीएनए का कॉपीइंग मैकेनिज्म क्या है और डीएनए एक्चुअली किस तरह से रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करने का मतलब सिंपल मीनिंग है कॉपी करना, एक से दो होना। तो वो कैसे करता है ये आज हम देखेंगे। इरविन चारगाफ ने रिकॉर्ड किया था कि जितने ए रेसिड्यूज़ होंगे उतने टी रेसिड्यूज़ होंगे, जितने जी रेसिड्यूज़ होंगे उतने सी रेसिड्यूज़ होंगे एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए में किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ से। वहीं से फिर हिंट मिला तो वॉटसन और क्रिक ने कहा कि ए पेयर्स अपोजिट टी, सी पेयर्स अपोजिट जी, एंड उसके बारे में उन्होंने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया कि मेरे नज़र से ये बचा नहीं है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हम बता रहे हैं कि डीएनए में होता है, इसी कारण इसका जो कॉपीइंग मैकेनिज्म है यहीं पर पता चलता है कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली वो ये देखेंगे कि कैसे ये एस्टैब्लिश हुआ मिसेलसन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट से। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन का क्या एंजाइम है एंड मेथड, किस मेथड से होता है। आज के टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे, जो मिसेलसन और स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट है हम वो पढ़ेंगे, और दूसरा कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन से एंजाइम्स हैं और वो एंजाइम्स और किस मैकेनिज्म, किस मेथड को फॉलो करके डीएनए अपने आप को कॉपी करता है। तो आज का हमारा कंसर्न यही होगा। आइए चलते हैं पहले मिसेलसन और स्टाल के एक्सपेरिमेंट पर। मिसेलसन और स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट था उसके लिए जो उन्होंने टेक्निक यूज किया वो था डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन। मैंने आपको बताया है कि सेंट्रीफ्यूजेशन क्या है। सेंट्रीफ्यूजेशन ठीक आपके मिक्सर ग्राइंडर की तरह वर्क करता है। मतलब क्या है कि डेंसिटी के ग्रेडियंट के हिसाब से ये जो नीचे सेटल होंगे हेवियर वाले वो पैलेट्स कहलाएंगे और ऊपर फ्लोट करने वाले सुपरनेटेंट कहलाते हैं। तो लाइकवाइज सेंट्रीफ्यूजेशन कराएंगे, लेकिन इनका जो है वो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन जिस सॉल्यूशन के कारण हो पाएगा वो CsCl यानी कि सीजियम क्लोराइड। इसकी डेंसिटी नॉर्मल डीएनए की डेंसिटी यानी कि जब ये सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होगा उसकी जो डेंसिटी होगी वो नॉर्मल डीएनए के डेंसिटी के बराबर होती है, यानी कि इस सॉल्यूशन में डीएनए बराबर से फ्लोट करेगा। यही वो केमिकल है जो बाद में ग्रेडियंट डेवलप करेगा और उस ग्रेडियंट पर इतना एफिशिएंट मतलब बफर की तरह एक्ट करेगा कि एक न्यूट्रॉन का फर्क अगर हो, एक न्यूट्रॉन सोच लीजिए कितना निग्लिजिबल मास होगा उसका, एक न्यूट्रॉन का भी अगर फर्क हो डेंसिटी में तो वो अलग अलग बैंड्स ऑब्टेन करके देगा। तो जो मिसेलसन और स्टाल की टेक्निक है वो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन है, जिसमें कि उन्होंने सीजियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाया था, उसमें डीएनए को सस्पेंड किया था। उनका पूरा एक्सपेरिमेंट इस बात पर टिका था कि वो डीएनए को पहचान पाएं, मतलब कि
पेरेंट का डीएनए अलग होना चाहिए, पता चल जाना चाहिए कि ये पेरेंट के डीएनए से मिला है या ये पेरेंट का डीएनए है, और जो नया डीएनए सिंथेसाइज होगा उसका पहचान हो जाना चाहिए। मतलब बेसिकली इन लोगों का जो चैलेंज था वो ये था कि ये टैग किस तरह से करेंगे पेरेंट डीएनए और डॉटर डीएनए को। अगर पेरेंट डीएनए और डॉटर डीएनए एक ही सॉल्यूशन में अलग अलग पहचान लिया जाए तो ये बताना आसान होगा कि डीएनए कैसे कॉपी हुआ है। तो मिसेलसन और स्टाल ने इन इसको टैग करने की कोशिश की, पेरेंट डीएनए को और डॉटर डीएनए को, मतलब अगले जनरेशन के डीएनए को। इसके लिए जो उन्होंने यूज़ किया था वो था हेवी आइसोटोप। हेवी आइसोटोप किसका? हेवी आइसोटोप आप जानते हैं कि डीएनए में नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन का हेवी आइसोटोप N15। नॉर्मल जो होता है नाइट्रोजन वो N14 होता है। ये नॉर्मल नाइट्रोजन है। जनरली जो डीएनए होते हैं उसमें नाइट्रोजन 14 वाला नाइट्रोजन यूज़ होता है। इन्होंने क्या किया कि हेवी आइसोटोप को, ध्यान रखिएगा हेवी आइसोटोप होने का मतलब ये नहीं है कि रेडियो एक्टिव है, ये सिर्फ हेवी आइसोटोप है, मतलब कि इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो 8 है और इसके अंदर 7 है। तो ये चीज़ उन्होंने टैग करने के लिए यूज़ किया। अब उन्होंने एक्चुअली किया क्या, उन्होंने जो मॉडल एक्सपेरिमेंट है वो इस्टेरिशिया कोलाई पर किया। उन्होंने इकोलाई सेल्स को कल्टीवेट किया सेवरल जेनरेशंस ऑन N15 मीडियम। मतलब कि उन्होंने इकोलाई सेल्स को ऐसे राउंड बॉटम फ्लास्क या फ्लैट बॉटम फ्लास्क, ऐसे फ्लास्क में कल्टीवेट किया जहां पर उन्होंने न्यूट्रिएंट मीडियम में N15 यानी हेवी फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन का यूज़ किया है। उसमें इन्होंने इकोलाई सेल्स को कई जनरेशन तक कल्टीवेट किया, कई जनरेशन तक ग्रो करवाया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मीडियम से ही वो नाइट्रोजन लेता है तो वो नाइट्रोजन लेगा, और जो नाइट्रोजन जिस नेचर का है वो किस नेचर का है, N15 नेचर का। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि डीएनए मतलब इस इकोलाई सेल कुछ सेल्स को उठा करके नॉर्मल इसमें N14 नाइट्रोजन है तो डीएनए भी N14 हो जाएगा इकोलाई सेल्स का। बात समझ में आ रही है? पहले उन्होंने N15 में ग्रो कराया इकोलाई सेल्स को, फिर उसकी कॉलोनीज में से कुछ उठा करके अब N14 पे ग्रो कराया। इनकी पूरी एक्सपेरिमेंट इस बात पर टिकी थी कि जो पेरेंट सेल होगा उसके अंदर तो N15 है और जो डॉटर सेल होगा उसके अंदर N14 होगा, और इसी के डेंसिटी के फर्क में पहले जनरेशन में जब हम आएंगे तो हमको पता चल जाएगा पहले जनरेशन के डीएनए को देख करके कि किस मैकेनिज्म से डीएनए कॉपी हो रहा है। तो लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट मिशेलसन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। तो मिशेलसन और स्टाल एक्सपेरिमेंट में मैंने जो आपको समझाया था उसको मैं एक बार फिर रिकैपिचुलेट कर रही हूँ कि जो डीएनए का कॉपिंग है इसका हिंट वॉटसन एंड क्रिक को मिल चुका था। वॉटसन एंड क्रिक ने अपने बोल्ड स्टेटमेंट में ये लिखा था कि इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर विजन दैट द कम्प्लीमेंट्री पेयरिंग विच वी आर सजेस्टिंग हियर इज द की टू द मैकेनिज्म ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए। ये उनके शब्दों में नहीं है, उनके मूल शब्द का अर्थ यही था कि जिस तरह से उन्होंने बता रखा है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है बेसिस के बीच में, उससे हम डीएनए के कॉपी होने का, रेप्लिकेट होने का मैकेनिज्म भी जान सकते हैं। तो इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए मिशेलसन और स्टाल ने जो एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था उन्होंने क्या किया कि एस्किरिशिया कोलाई जो कि सबसे ज़्यादा यूज मॉडल ऑर्गेनिज्म है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, इसको N15 मीडियम पर ग्रो किया था। नॉर्मली जो हमारे डीएनए में जो नाइट्रोजन रहता है वो N14 रहता है,
पर जो N14 नाइट्रोजन के जगह इन्होंने मीडियम, जिस कल्चर मीडियम में ग्रो किया था इकोलाइसेंस को, उस कल्चर मीडियम में सप्लाई किया था इन्होंने N15 जो कि हेवी आइसोटोप है। हेवी आइसोटोप इसलिए है क्योंकि N14 और N15 के बीच में एक न्यूट्रॉन का फर्क है, एक न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा है N15 में। आप सोचिए कि सिर्फ एक न्यूट्रॉन के डिफरेंस को कैलकुलेट करना था, उसके लिए इन्होंने जो केमिकल इस्तेमाल किया वो था सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड एक बफर की तरह एक्ट करेगा जो रेंज ऑफ ग्रेडियंट्स देगा डीएनए को। डीएनए और सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी बराबर होती है, नॉर्मल डीएनए और सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी बराबर होती है। तो सीजियम क्लोराइड में अगर थोड़ा सा भी डीएनए की डेंसिटी में फ़र्क होगा तो उस बेसिस पर अलग अलग बैंड्स ऑब्टेन होंगे। उन्होंने टैग करने के लिए जो यूज़ किया मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने हेवी आइसोटोप टैगिंग की। तो बेसिकली उनका सेटअप यही था कि जो पेरेंट डीएनए है उसको N15 सप्लाई किया, यानी उसके डीएनए में N15 है, अब उसको N14 मीडियम में ट्रांसफ़र किया। जब N14 मीडियम में ट्रांसफ़र किया तो अब उसके पास जो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है वो N14 वाला है। तो अब अगर डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए कॉपी होगा, तो पता चल जाएगा ना कि पेरेंट जनरेशन से कौन सा आया है और न्यू जनरेशन में कौन सा बना है। पेरेंट जनरेशन वाले के पास N15 होगा, आसानी से पता चल जाएगा N14 के कंपैरिजन में। तो यही उनकी टेक्निक थी। तो पेरेंट जनरेशन से जब फर्स्ट जनरेशन बना तो सब के सब इंटरमीडिएट डेंसिटी के बैंड में आए। इंटरमीडिएट डेंसिटी के बैंड में आए तो इसका मतलब था कि कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन तो नहीं हो सकता। कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के लिए आप मतलब सोच सकते हैं कि उन्होंने कहा था कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को सपोर्ट करने वालों ने कि जो डीएनए है वो पेरेंट मॉलिक्यूल का इंटैक्ट रहता है और जो अफ्रेश नया जो बनता है वो भी इंटैक्ट रहता है। कहने का मतलब इंटरमिंगलिंग नहीं होती है, पेरेंट वाला डीएनए जैसा था वैसा ही रहेगा और जो डॉटर डीएनए बनेगा वो जैसा है बस नए वाले सिचुएशन में जैसा है वैसा बनेगा। तो इस हिसाब से इंटरमीडिएट डेंसिटी बैंड तो आना ही नहीं चाहिए, पर इंटरमीडिएट डेंसिटी बैंड आया तो कंजर्वेटिव मॉडल जो है उसको तो हटा देंगे। अब आते हैं दो बचे, डिस्पर्सिव और सेमी कंजर्वेटिव। अगले स्टेप में ये भी क्लियर हो जाएगा कि डिस्पर्सिव है या सेमी कंजर्वेटिव है। अगर डिस्पर्सिव होता तो कभी भी कोई और बैंड मिलता ही नहीं। डिस्पर्सिव में कहना है कि डीएनए जो पुराने वाले होंगे वो टूट टूट कर नए वाले डीएनए में बिखरे पड़े होंगे, जुड़े पड़े होंगे कहीं कहीं यदा कदा। तो ऐसा होने का मतलब था कि बैंड का तो डेंसिटी चेंज नहीं करता। लेकिन जब सेकेंड जनरेशन हुआ वो N14 मीडियम बनी है, तो देख लीजिए आप कि N15 वाला वाइट से मैंने शो किया है, N14 वाला मैंने पिंक से शो किया है। तो जब सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होगा तो जो ऑटोमेटिकली वाइट वाला तो सप्लाई है ही नहीं, N15 की तो सप्लाई है ही नहीं, जो पेरेंट में डीएनए है बस वही ना। तो धीरे धीरे ये अमाउंट ऑफ N15 डीएनए कम होता चला गया और अमाउंट ऑफ N14 डीएनए बढ़ता चला गया। इसका मतलब यही था कि डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कॉन्जर्वेटिवली। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन पर कि ये तो प्रूफ हो गया कि सेमी कॉन्जर्वेटिव होता है, पर अब ये प्रूफ करना बाकी था कि किस तरह से होता है। मैंने बताया था एंटी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल होने का मतलब यही है कि एक पे कंटिन्यूअस तरीके से डीएनए के स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा और एक पे डिसकंटीन्यूअस तरीके से। तो ये अगर मेरा डीएनए स्ट्रैंड है तो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए उसका अनवाइंड होना जरूरी है और यहाँ पर जो एंजाइम काम आता है आपको भी पता है, दैट इज हेलिकेज। हेलिकेज नाम का एंजाइम होता है जो कि वर्क करता है डीएनए रेप्लिकेशन फोक बनाने में। फोक कुछ नहीं है, जैसे कांटे वाली चम्मच होती है, तो ये दोनों के बीच का बेसिकली इसने दो न्यूक्लियोटाइड के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये मेरा 5'3' डीएनए है और ये 3'5' डीएनए है, ठीक है। तो अब जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा इस पर कॉन्टिन्यूस होगा, इस पर लगातार
तरीके से नए न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है डीएनए पॉलीमरेज, यही एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस एंजाइम की खासियत ही यही है कि ये जब भी ऐड करेगा तो 3' एंड पर ही ऐड करेगा। तो इस वजह से यहां पर चूंकि ये 5' एंड है तो इसके लिए दिक्कत है, तो ये 3' के साइड वाले से ऐड करना शुरू करेगा और छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ऐड करेगा। तो जिस स्ट्रैंड पर डीएनए का रेप्लिकेशन कॉन्टिन्यूसली होता है उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड, और जिस स्ट्रैंड पर ऐसे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं उस स्ट्रैंड को, जिस स्ट्रैंड पर उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का निर्माण ऐसे डिसकॉन्टिन्यूअस वे में होता है उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ये रीजी ओकाजाकी और उनकी वाइफ दोनों ने मिलकर के ये मैकेनिज्म बतलाया था, इसलिए इन छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ये डिसकॉन्टिन्यूअस फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का, सील करने का काम जो एंजाइम करता है उसको हम डीएनए लाइगेज कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए, कॉपिंग मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो डीएनए पॉलीमरेज है वो तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उसको ना मिल जाए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अब ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो बेस सीक्वेंस है 3500 न्यूक्लियोटाइड का, 35 से लेके 100 न्यूक्लियोटाइड या उससे थोड़ा लंबा ऐसा सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके वहां से डीएनए खुलने का काम होता है और वहीं से रेप्लिकेशन शुरू होता है। ये प्रोकैरियोट्स में एक ही होता है क्योंकि एक ही क्रोमोसोम है प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट में एक ही सर्कुलर डीएनए होता है, तो किसी एक निश्चित स्थान पर ही रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है, जबकि बाकी के ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स में एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं और इसी कारण से हर क्रोमोसोम का अलग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, हो सकता है। तो यूकैरियोट्स में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कई होते हैं, प्रोकैरियोट्स में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वन होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो स्ट्रेच ऑफ डीएनए है जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होनी है। इस साइट को रिकॉग्नाइज करने के बाद डीएनए पॉलीमरेज वहां पर रेप्लिकेशन शुरू कर सकता है अगर हेलिकेज की व्यवस्था हो तो। हेलिकेज क्या करेगा? इस मॉलिक्यूल के हाइड्रो मतलब बेस पेयर्स के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ करके इसको फोर्क में तब्दील करेगा, वरना तो ये सील रहेगा है ना, तो इसको फोर्क में तब्दील करेगा। एक और एंजाइम है जिसको कहते हैं टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज। इसका काम ये है कि ये दो स्ट्रैंड जब अलग हो गए ठीक है तो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। एक और एंजाइम का नाम या ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन SSBP, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये दोनों स्ट्रैंड को स्थिर करेगा, होल्ड करके रखेगा। तो क्या हुआ तक कि हेलिकेज के कारण ये रेप्लिकेशन फोर्क बना, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ने इन दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग पकड़ करके स्टेबलाइज किया, टोपो आइसोमरेज ने इंश्योर किया कि यहाँ पर जितने भी फोर्सेस लगे वो वापस से इसको रीयूनाइट करने में ना लग जाए, यानी कि स्ट्रैंड सेपरेटेड रहे इसके लिए भी इंश्योर किया। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आया, अगर यहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो डीएनए पॉलीमरेज आया और उसने एक्टिविटी शुरू की, दोनों स्ट्रैंड्स पर एक्टिविटी शुरू होगी पेरेंट के, पर एक पर कॉन्टिन्यूअस होगा जिसको कि हम लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे और एक पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा जिसको कि हम लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। इस पूरे मैकेनिज्म की स्टडी, लैगिंग स्ट्रैंड वाले की डीप स्टडी ओकाजाकी हस्बैंड एंड वाइफ ने की थी और उन्हीं की याद में हम इसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। एक एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज ये सारे लिंक्स, ये जो गैप्स हैं, इन सबको सील करके इस डीएनए को कॉन्टिन्यूअस बनाता है।
तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि डीएनए की जो कॉपीइंग मैकेनिज्म है वो बहुत ही सिंपल है। अगले वीडियो में मैं डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनने की प्रोसेस को रिवील करूँगी, पर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।